प्यारी बच्चों, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जो अपने माता पिता की सेवा भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है श्रवण कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके वृद्ध माता पिता देख नहीं सकते थे। श्रवण उनकी बहुत अच्छे से देखभाल और सेवा किया करते थे। एक बार माता पिता ने कहा, बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु क्या करें, हम देख नहीं सकते, अतः स्वयं यात्रा करने में हम असमर्थ हैं। श्रवण कुमार बोले, आप चिंता ना करें, मैं आपको यात्रा पर ले चलूंगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को पूर्ण विश्वास कराया। फिर एक दिन श्रवण कुमार ने दो टोकरियों में कांवर तैयार की। उसमें एक और माता और एक और पिता को बिठाया। कांवर उठाकर वो यात्रा पर चल दिए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराया। एक बार वे एक वन से होकर जा रहे थे। रास्ते में वृद्ध माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने माता पिता को छांव में बिठाया और घड़ा लेकर पास ही बहती नदी के पास पानी लाने के लिए चले गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार कर रहे थे। घड़ों में पानी भरने की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाढ़ को चला दिया। बाढ़ लगते ही श्रवण चीत्कार भूमि पर गिर पड़े। राजा दौड़कर वहां पहुंचे तो अपनी भूल पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। श्रवण ने कहा, मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कृपया कर उन्हें पानी पिला दे। ये कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। राजा बहुत दुखी मन से उनके वृद्ध माता पिता के पास गए। उन्हें अपना अपराध बताकर क्षमा मांगी, किंतु माता पिता के दुख की सीमा ना रही। वृद्ध माता पिता ने कहा, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है।